अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो अलहमदुल्ला दोस्तों सेटअप के ऊपर मैं आ चुका हूँ। और दोस्तों सेटअप पे जो है आज गुड न्यूज भी दोस्तों एक आ गई है। लास्ट ब्लॉग में दोस्तों मैंने आप लोगों से उसका जिक्र किया था, लेकिन अलहमदुल्ला दोस्तों आज जो है हमारे सेटअप के ऊपर वो चीज आ चुकी है। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि दोस्तों आपको नई हर वीडियो आने वाली जो है नेक्स्ट वीडियो, ताकि दोस्तों आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो जो है आप लोग सही से आसानी देख सके। तो आइए दोस्तों ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो अलहमदुल्ला दोस्तों सेटअप के ऊपर मैं आ गया हूँ और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमारी मुर्गियाँ जो है आज दोस्तों धूप जो है मैं आपको सबसे पहले बताते चलूँ कि बहुत अच्छी आई हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों मुर्गियाँ जो है धूप ले रही हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों मुर्गियों के भी मुंह खुले में, क्योंकि दोस्तों दो दिन बोल रहा हूँ दोस्तों काफी टाइम से जो है बहुत तेज हवा चल रही थी, जिसकी वजह से दोस्तों हमारी मुर्गियाँ भी परेशान थी। और आज दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि धूप आई हुई है, तो हमारी मुर्गियाँ जो है बहुत अच्छे से धूप ले रही है, अच्छी खासी दोस्तों धूप निकली हुई है। और दोस्तों आप लोग मौसम भी देख सकते हैं, हवा का दबाव भी दोस्तों थोड़ा कम है, हवा है लेकिन थोड़ी कम हवा है, लेकिन दोस्तों धूप जो है दोस्तों धूप में तेजी अच्छी है। और दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले मैं दिखाता हूँ दोस्तों जो हमारा सरप्राइज आया है, तो वो भी दोस्तों अभी मैंने आप लोगों को दिखाना है। तो दोस्तों थोड़ा सा वेट कर लें तो आप लोगों को वो भी दिखाते हैं। और दोस्तों अभी हम अंदर चल के देख लेते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हमारे चूजे भी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, सारे दोस्तों साथ ही घूम रहे हैं। दोस्तों आप लोगों को पता होगा पहले कुछ टाइम पहले दोस्तों ये जो हमारे चूजे थे सारे फूल फूल के बैठे हुआ करते थे हवा की वजह से, लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं है, अब अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारे सारे चूजे जो है बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों ये वाली मुर्गी जो है हमारे चूजों को ही मार रही है, पता नहीं क्यों मार रही है। और दोस्तों इसके लिए जो है दोस्तों ये दोनों बच्चों से साथ दोस्ती बना ली है, क्योंकि दोस्तों इसके आपको पता है कि अंडे जो है जाया हो गए थे, तो अब जो है दोस्तों इसने क्या करा है दो बड़े चूजे से इनसे दोस्ती बना ली और इन्हीं को दोस्तों ये खिलाती पिलाती और घुमाती फिराती रहती है। तो इसका भी दोस्तों कुछ पता नहीं है कि क्या चाहती है ये। तो चलते हैं दोस्तों सबसे पहले अपने मास्टर केज के अंदर। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग माशाल्लाह देख सकते हैं मास्टर केज के अंदर दोस्तों मैंने अपने लक्का कबूतर को भी दोस्तों खोल दिया है। हमारा दोस्तों लक्का का मेल जो है अब यहीं पर रहेगा और इंशाल्लाह दोस्तों इसके लिए भी हम बहुत ज्यादा फीमेल लेकर आएंगे, क्योंकि दोस्तों अब जब तक मास्टर केज नहीं बना था मैंने बोला यार फीमेल लेकर आने का फायदा नहीं है, तो ये लोग बेचारे छोटे से केज के अंदर ही बंद रहेंगे और परेशान रहेंगे। तो इसलिए दोस्तों अब जो है मैं इनके लिए इंशाल्लाह फीमेल लेकर आऊंगा इसके लिए दोस्तों खासतौर पर, और कोई अच्छी सी फीमेल दोस्तों देखेंगे जो कि इसके लिए इसके कलर के साथ मैच भी करे और इसी की दोस्तों नस्ल में से हो। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखिए माशाल्लाह ये भी खुश है और दोस्तों यहाँ पे पूरा फ्लाई वगैरह करता रहता है। और दोस्तों हमारा मोर तो यहाँ पर ही बैठा हुआ है बेचारा, ये आता है दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों धूप जो है यहाँ से छन छन के आ रही है, लेकिन दोस्तों ये हमारा मोर जो है आराम से बैठा हुआ है और यहाँ पर धूप ले रहा है। हाँ भाई मजा आ रहा है। तो माशाल्लाह दोस्तों ये भी अल्हम्दुलिल्लाह खुश है। और दोस्तों आप लोगों को मैं एक चीज और बता दूं कि दोस्तों हमारे जो बाहर केज थे दोस्तों दो रह गए थे, वो भी हमारा एक केज यहाँ पर आ गया। और दोस्तों एक केज हमारा क्रीमनो और अल्बाइनो वाला वो भी यहाँ पे दोस्तों आ चुका है। और यहाँ पर दोस्तों हमारे सेटअप पे दोस्तों नेट जो है वो भी तरीके से बांध दिए और यहाँ पर दोस्तों ये भी बन चुका है। और दोस्तों आज जो है हमने अपनी जावा को जो है कोलेस्ट्रॉल पिलाना है। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि हमारी जावा जो है कुछ खुली हुई थी, दो से तीन जावा दोस्तों हमारी जावा को ठंड लगी थी, इस वजह से दोस्तों मैं इनके लिए कोलेस्ट्रॉल लेकर आया हूँ। दोस्तों ये बहुत ही बेस्ट फॉर्मूला होता है दोस्तों, कोई भी आपका बर्ड जो होता है खुलेपन में आ जाए या मोशन में आ जाए या कोई भी दोस्तों टुकड़ेपन की बीमारी हो या सीट में आ जाए कोई भी दोस्तों बीमारी हो, अलहमदिल्ला दोस्तों ये कोलेस्ट्रॉल जो है बहुत ही अच्छा रहता है। और दोस्तों ये प्रोडक्ट मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों इसके रिव्यूज मैंने बहुत अच्छे सुने, तो इसीलिए दोस्तों मैं इसको लेकर आया हूँ। और इंशाल्लाह दोस्तों आज से जो है मैं इसको ट्राई कराऊंगा जावा को, क्योंकि दोस्तों मैंने पानी को फिलहाल निकाल दिया, मैंने बोला प्यासे हो जाए जावा तो फिर उसके बाद ही मैं उनको पिलाऊंगा, दो घंटे बाद दोस्तों इनको इंशाल्लाह पानी डालेंगे। और दोस्तों इसको डालने का तरीका भी मैं आप लोगों को बताया हूँ, वैसे तो डब्बे पे लिखा हुआ है यहाँ पर दोस्तों पूरी तरकीब लिखी है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को उसका गाइड कर देता हूँ कैसे डाली जाती है। तो दोस्तों ये एक लीटर पानी के अंदर 10 ml डाली जाती है, ये लिक्विड फॉर्म के अंदर है। और दोस्तों ये आपके बर्ड में कोई भी अगर परेशानी बीमारी वगैरह है तो आप लोग भी दें, और इसका दोस्तों बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। और इंशाल्लाह दोस्तों आपका बर्ड जो भी सूखा हुआ है बीमारी में है या कोई भी दोस्तों कमजोरी की हालत में बर्ड है, तो इंशाल्लाह दोस्तों आपका बर्ड जो है बहुत जल्दी सेटियाब हो जाएगा और जल्दी दोस्तों फिट हो जाएगा और फ्लाई करेगा और दोस्तों आपके इस सेटअप पे ब्रीड देगा। तो अभी दोस्तों मेरे को फिलहाल लग गया था, अभी जो है मेरे को इसको डालना है तकरीबन 2 घंटे बाद डालूंगा, क्योंकि दोस्तों पानी मैंने अभी निकाला है। और जावा दोस्तों आप लोगों को जैसा कि पता है मैं रात को निकाल नहीं सकता था, क्योंकि जावा बार बार पानी पीती है, तो अगर दोस्तों पानी की ज्यादा कमी हो जाए तो जावा उससे भी खराब हो जाती है, मर भी सकती थी। तो इसलिए दोस्तों मैंने अभी 2 घंटे अपने सामने पानी निकालूंगा, उसके बाद जो इनको पानी रख दूंगा। तो दोस्तों ये आप लोगों किसी भी बर्ड को पिलाए तो दोस्तों रात को जो है पानी आप निकाल दें, जैसे दोस्तों लव बर्ड अल्बाइनो वगैरह हैं तो दोस्तों ये लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन चिड़िया वगैरह जो होती है तो दोस्तों अपने सामने आप 2 घंटे पानी निकाल लें, उसके बाद ही पानी उनको अपने सामने रख दें तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। तो अब चलते हैं दोस्तों वापस से बाहर, अपने मोर को दोस्तों फीड भी डालनी है हमें, तो अभी मैं सबसे पहले फीड भी लेकर आ जाता हूँ और इसको फीड डाल देता हूँ।
तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों यहाँ पे मैंने फीड जो है मोर के लिए निकाल ली है और दोस्तों यहीं पे रख देना है क्योंकि हमारा मोर जो है यहाँ पे बैठा हुआ है सकून से, तो यहाँ पे बैठे बैठे खा भी लेगा। तो ये देख सकते हैं दोस्तों माशाल्लाह मोर ने जो है फीड खाना स्टार्ट भी कर दिया। तो अब चलते हैं दोस्तों सरप्राइज की तरफ जो आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों की बात है तो आप लोग पीछे से आ ही रही होंगी और आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। तो दोस्तों आइए मैं आप लोग को मिलवाता हूँ अपने आप लोगों की सरप्राइज से। हाँ भाई, तो दोस्तों ये हमारा आप लोगों के लिए दोस्तों सरप्राइज लेकर आए थे। हमने बोला कि अपने सेटअप पे दोस्तों दुम्बा जो है, अब जगह जो है दोस्तों बिल्कुल ही खुली हो गई है और दोस्तों बिरयानी अच्छी हो रही थी, तो मैंने बोला कि भाई दुम्बा जो है जल्दी से सेटअप के ऊपर लाया जाए ताकि जो है दोस्तों थोड़ा सा दोस्तों चहल कदमी भी करते हैं और ये दोस्तों अच्छा लगता है जब दोस्तों हमारे दुम्बे जो है यहाँ पे बाहर घूमेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों अभी हमें बकरा भी लेकर आना है, तो दोस्तों बकरा थोड़ा सा वेट करके लेकर आऊंगा क्योंकि दोस्तों आप लोग बता आगे ठंड आ रही है तो उसके मौसम में बकरा जो है दोस्तों मैं संभाल नहीं पाऊंगा क्योंकि हमारी छत का जो फर्श है दोस्तों ये बिल्कुल पक्का फर्श है और दोस्तों जब हमारा बकरा उसके ऊपर बैठेगा तो ठंड बैठ जाती है और फिर बीमार हो जाता है, तो ये वजह। और दोस्तों अभी आपको मिलवाते हैं अपने दुम्बे से। तो दोस्तों आप लोग माशाल्लाह देख सकते हैं ये कल हम जो है दुम्बा लेकर आए और यहाँ पे दोस्तों इसको मैंने गंजा भी उसी वक्त ही करवा लिया वरना तो ये पूरे बालों बालों वाला हो रहा था। तो अभी दोस्तों इसके बाल वगैरह कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही गंजा करवा दिया इसको। अबे बाहर तो आओ यार, क्या कर रहे हो। तो अभी दोस्तों इसको यहाँ से मैं बाहर निकालता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों माशाल्लाह बहुत ही अच्छे कलर में दुम्बा है और दोस्तों माशाल्लाह बहुत ही खुश है, जब से आया दोस्तों ये पूरे छत पे भागे जा रहा है और दोस्तों जब मैं नीचे चला जाता हूँ तो दोस्तों ये चिल्लाना भी शुरू कर देता है और ये डरता है अकेला क्योंकि दोस्तों अभी क्योंकि आपको पता है दुम्बा जो है जोड़ी में ही रखा जाता है और जो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है लास्ट सीजन में मेरे पास 5 से 6 दुम्बे थे, बल्कि दोस्तों 6 ही नहीं थे 6 ही दुम्बे थे और दोस्तों वो सारे कुर्बानी के टाइम पे सेल हो गए थे और हमने अपना कुर्बानी का जानवर किया था जो कि आपने दोस्तों वीडियो में देखा भी होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों अभी जो है हमारा दुम्बा जो है भूखा भी हो रहा है तो उसके लिए दोस्तों मैं लूसन लेकर आ गया हूँ और लूसन जो है जल्दी से मैं उठा लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग माशाल्लाह देख सकते हैं लूसन ये है और दोस्तों हमारा दुम्बा भी आ गया लूसन खाने के लिए और दोस्तों ये लूसन अभी जो है बहुत ही ज्यादा शौक से खा रहा है। आ आ आ आ तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कैसे भाग भाग के आ रहा है लूसन खाने के लिए। तो अभी मैं दोस्तों इसको सबसे पहले लूसन डाल दूँ ताकि ये भी अपना बेचारा खाना पीना खाता रहे। दोस्तों सबसे पहले इसको मैं लूसन डालता हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों मैंने अभी इसको डाल दिया है लूसन और दोस्तों माशाल्लाह लूसन जो है ये बहुत शौक से खाता है और दोस्तों जब आया था मैंने इसको दाना भी खिला दिया था और अभी लूसन जो है सुबह की डाइट में इसको मैं लूसन खिला रहा हूँ और यहाँ पर लूसन डाला है और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी शौक से खा रहा है। तो दोस्तों आप लोगों ने मुझे इसका नाम भी सजेस्ट करना है कि इसका मैं नाम क्या रखूँ। तो दोस्तों वैसे तो मैंने इसका नाम सोचा था बुम्बा रखने का, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि बुम्बा नाम कैसा रहेगा इसका। तो इंशाल्लाह दोस्तों फिर इसको बुम्बा नाम से ही बुलाएंगे और देख सकते हैं माशाल्लाह दोस्तों दुम्बा जो है बिल्कुल ही गंजा हो गया, बिल्कुल ही चिकना चिकना सा लग रहा है। तो इंशाल्लाह दोस्तों इसको कल जो है मैं नहलाऊंगा अभी, तो कल जब नहलाऊंगा दोस्तों ये बिल्कुल ही साफ सुथरा हो जाएगा। तो अभी दोस्तों मैं इसलिए नहीं नहला रहा क्योंकि अभी कल ही मेरे घर पर आया तो एक दिन एडजस्ट हो जाए फिर उसके बाद ही मैं इसको नहलाऊं, ये ना हो दोस्तों बुखार उखार चढ़ जाए तो उससे भी दोस्तों बचाना पड़ता है। आपने मुझे बताना है कि आप लोग को जो है हमारा बुम्बा दोस्तों बुम्बा ही नाम रखते थे, बुम्बा नाम मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों आपने बुम्बा जो है बताना है कि हमारा बुम्बा कितना लगा। तो दोस्तों मुझे तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगा था तो इसीलिए मैंने उसको खरीदा है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी दोस्तों एक लाइक और सब्सक्राइब डालनी चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ हमारे साथ।